हेलो एंड वेलकम फ्रेंड्स, टैली ईआरपी 9 सीखने की सीरीज में मैं सूरज आपका स्वागत करता हूं। बहुत सारा कमेंट आया हुआ है कि सर मुझे पेमेंट में और रिसीविंग में, पेमेंट को रिसीव करने में और पेमेंट करने में, दोनों में काफी प्रॉब्लम्स आ रही हैं। तो चलिए उसको समझते हैं, जानते हैं कि प्रॉब्लम क्यों आती है, ठीक है, और उस प्रॉब्लम का सॉल्यूशन क्या है। तो सबसे पहले क्या करना है, ये कंपनी बनी हुई है लेकिन कोई भी वाउचर एंट्री अभी पास नहीं हुई है। तो देखिए, कंपनी में जो फंड आप रिसीव कराएंगे, अगर आप कॉमर्स से हैं तो आपको ये बात अच्छे से पता होगी कि जो भी फंड कंपनी में रिसीव कराएंगे आप, उसे हम पैसा, रुपया या इस तरह का कोई भी नाम नहीं देते हैं सिवाय कैपिटल के। उसे हम कहते हैं कैपिटल। क्या बोलते हैं? कैपिटल बोलते हैं। तो अभी हमें कैपिटल अकाउंट का लेजर बनाना है। लेजर अलग अलग तरीकों से बना सकते हैं। ये ERP 9 है, प्राइम अगर यूज कर रहे हैं तो प्राइम में और भी ज्यादा आसानी हो गई है। तो यहां से अकाउंट इन्फो दिख रहा होगा आपको, अकाउंट इन्फो पर चले जाइए। अकाउंट इन्फो ये आपको दिख ही रहा है, तो ये अकाउंट इन्फो पे जैसे ही आप जाते हैं और एंटर प्रेस करते हैं तो ये इस तरीके से आएगा। ये कह रहा है लेजर्स, तो यहां पे जाकर के लेजर बना सकते हैं। लेजर दो तरीकों से बनाया जा सकता है, एक मल्टीपल लेजर, एक सिंगल लेजर। फिलहाल हमें सिंगल लेजर की जरूरत है, सिंगल लेजर बना लेते हैं। तो कंपनी में रिसीव कराया जाने वाला फंड कहलाता है कैपिटल, ठीक है। अब बहुत सारे स्टूडेंट, बहुत सारे टैली यूजर्स ये कहते हैं कि सर ग्रुप का सिलेक्शन करने में बहुत प्रॉब्लम आती है। तो जितना ज्यादा अभ्यास होता जाएगा, ग्रुप सिलेक्शन वाली प्रॉब्लम आपकी सॉल्व होती जाएगी। यहां पर कैपिटल अकाउंट ग्रुप रखना है, साइड में आपको लिस्ट ऑफ ग्रुप ये दिखाई दे रहा है। तो यहां से कैपिटल अकाउंट, अगर कैपिटल अकाउंट यहां पर न शो करे तो आप केवल सी प्रेस कीजिएगा, सी वाले सारे ग्रुप हाईलाइट हो जाते हैं और यहां से चूज कर लीजिएगा कैपिटल अकाउंट। जैसे ही चूज करेंगे एंटर करके नीचे आते जाइए, नीचे आइए, एक्सेप्ट करा लीजिए। हो गया एक्सेप्ट, बस काम हो गया है, कैपिटल अकाउंट का लेजर आपने क्रिएट करा लिया। इस तरीके से लेजर बना सकते हैं, ठीक है। अब हमको जो भी एंट्री पास करनी है वो अकाउंटिंग वाउचर में जाना है पास करने के लिए। तो ये अकाउंटिंग वाउचर में आ गए, वी हाईलाइट है, वी प्रेस कर दीजिए। अभी हम हैं पेमेंट वाउचर में और हम हैं सिंगल एंट्री मोड में, हमें डबल एंट्री मोड में जाना है। ये सिंगल एंट्री मोड में भी एंट्री कर सकते हैं, नो प्रॉब्लम, लेकिन चलिए डबल एंट्री मोड में हम चलते हैं। यहां से F12 फंक्शन बटन प्रेस करना है। ये लिखा हुआ है यूज सिंगल एंट्री मोड फॉर पेमेंट कंट्रा रिसिप्ट वाउचर्स, ठीक है। तो यहां पर हमें इसको नो कर देना, सिंगल एंट्री मोड हमें नहीं चाहिए और डेबिट क्रेडिट ऑप्शन चालू चाहिए। अगर आपको सिंगल एंट्री चाहिए तो आप सिंगल एंट्री भी कर सकते हैं, कंट्रोल ए कर दीजिए। यहां पर डेबिट क्रेडिट आने लगा, ठीक है। फिलहाल हमें पैसे की रिसीविंग करानी है जिसे हम कहते हैं कैपिटल। तो उसके लिए हम कहां जाएंगे, कौन से वाउचर में जाएंगे, रिसिप्ट वाउचर में। रिसिप्ट में ही जाकर के हम पैसा रिसीव कराते हैं, तो F6 प्रेस करते हैं। तो यहां पर कैपिटल को रिसीव कराने की बात हो रही है, तो ये कैपिटल कर दिया हमने। अब कितना फंड आप रिसीव करा रहे हैं वो देख लीजिए, एंटर करिए, जो भी फंड रिसीव कराना है यहां पे दे दीजिए। आप कैश में रिसीव करा रहे हैं या बैंक खाते के थ्रू करा रहे हैं, अब वो भी देखना होगा। फिलहाल मैं यहाँ पे कैश कर देता हूं, तो ये हो गया। अब यहां पर लिख देता हूं कैपिटल हैज बीन रिसीव्ड, RECEIVED इन कंपनी, ये लिख दिया हमने नरेशन में। नरेशन का मतलब ये है कि जो आप कर रहे हैं उसी को नरेशन में डाल दिया जाता है। तो ये हो गई पहली एंट्री पास। अब हमारे पास फंड हो चुका है, देख सकते हैं। ये एंट्री आपको देखनी है, गेटवे ऑफ टैली पर आकर दो बार डी प्रेस कीजिएगा, ये एंट्री आपको दिख जाएगी। अगर प्रिंट करना है तो अल्ट पी कर लीजिएगा तो प्रिंट भी निकल जाएगा इसका, ठीक है। तो फिलहाल हमें प्रिंट नहीं करना है, केवल प्रीव्यू देखना है। तो अल्ट पी करिएगा और अल्ट पी करने के बाद यहां पर साइड में देखिए, यहां पर दिया हुआ है विथ प्रीव्यू, तो विथ प्रीव्यू बस करिएगा आप, विथ प्रीव्यू यस करिए। तो यहां पर प्रीव्यू आपको नजर आएगा, ये देख सकते हैं, ये आपकी प्रीव्यू है, ठीक है। ये आपका वाउचर है, ठीक है। ये कंपनी का नाम है, ये कंपनी का एड्रेस है, हमने रिसिप्ट वाउचर में एंट्री पास करी है, ठीक है। तो देख सकते हैं यहाँ पे 6 लाख ओनली भी लिख के आ रहा है, तो यानी 6 लाख रुपए आपने रिसीव करा दिए हैं, ठीक है। चलिए बाहर आ जाते हैं, इससे बाहर आने के लिए एस्केप बटन प्रेस करते हैं, जो कि बहुत ऊपर कीबोर्ड में लेफ्ट साइड में दिया होता है, ESC का बटन, ठीक है। तो ये बाहर आ गए, ठीक है। बाहर आने के बाद क्या करना है, अब हमें एंट्री पास करनी है। यहीं से हम सीखेंगे कि हम रिसीव कराएंगे तो उसका क्या मतलब है। ये तो कैपिटल की रिसीविंग हो गई, यानी कि फंड का रिसीविंग हो गया। कोई भी कारोबार शुरू करने के लिए पैसे या रुपए की जरूरत होती है, वो हमने रिसीव करा लिया है ऑलरेडी, ठीक है। अब हम अगला स्टेप जो लेने वाले हैं वो ये है कि हम परचेजिंग करेंगे, हम होलसेलर पार्टी से खरीद के लाएंगे और फिर हम बेचेंगे, ठीक है। लोकल पार्टी जो भी आएंगे हमारे पास, हम उनको बेचेंगे, उस पर हमें प्रॉफिट होगा, ठीक है। चलते हैं वाउचर में और वाउचर में आकर के सीधे आ जाते हैं परचेज वाउचर में। परचेज का मतलब होता है खरीदना, हम कहीं से खरीद के लाएंगे फिर हम सेल करेंगे, तो खरीद रेट यहां पे पड़ेगी। तो यहां पर सप्लायर का इनवॉइस नंबर आ रहा है, जो भी सप्लायर का इनवॉइस नंबर है वो डाल दीजिए।
यहां पर वो डेट आएगी जिस डेट पर हो रही है परचेजिंग। अगर डेट अलग रखना है तो आप अलग भी कर सकते हैं, F2 प्रेस कीजिए। यहां पर मान लीजिए आप 1 मई से चाहते हैं ये सारा काम करना, तो यहां पे 1 मई की डेट डाल दीजिए। तो देखिए यहां 1 मई हो गया, यहां पर हो गया है, यहां पर भी आप चाहे तो मैन्युअली एंटर कर सकते हैं। यहां पे जाइए और यहां पर 1/5/2022 कर दीजिए। तो यहां पर लिख दीजिए 1/5/2022, बस हो गया ये, एंटर करिएगा, नीचे आइएगा। यहां पर हमने कोई भी लेजर नहीं बनाया। अब कंपनी में काम करने के दौरान जब आप वाउचर एंट्री पास करेंगे तो उस समय कैसे लेजर बनाएंगे, अल्ट सी करके बनाएंगे, अल्ट सी। जैसे ही अल्ट सी करेंगे तो यहां पर जबकि परचेज वाउचर की बात हो रही है तो आता है यहां पर कौन से पार्टी का लेजर, क्रेडिटर पार्टी का लेजर। तो यहां पर क्रेडिटर पार्टी का लेजर लगा देता हूं, कोई भी एक नाम लिख देता हूं, एंटर करता हूं, सी लिख दिया है ताकि आपको पता चलता रहे कि यह क्रेडिटर पार्टी ही है। ठीक है, ये हो गया। अब यहां से आकर के क्रेडिटर कर दीजिए, क्रेडिटर कर दिया, एंटर करते हुए मेंटेन बैलेंस बिल बाय बिल इसको यस रखिएगा। क्रेडिटर पार्टी का एड्रेस वगैरह डाल सकते हैं, स्टेट डालना बहुत ही ज्यादा कंपलसरी हो जाता है तो स्टेट भी जरूर डाल दीजिएगा। यहां पर आएगा परचेज अकाउंट का लेजर, क्योंकि हम बात कर रहे हैं परचेज वाउचर की, तो ये लिख दिया परचेज अकाउंट। ठीक है, अब देखिए ये हो गया परचेज अकाउंट, ये जाएगा अंडर परचेज अकाउंट के ग्रुप में। खाली प्री प्रेस कर दीजिए, पी प्रेस करेंगे तो परचेज अकाउंट और प्रोविजन दोनों हाईलाइट हो जाएगा। परचेज अकाउंट डाल करके आगे बढ़िए, एंटर करिए, एक्सेप्ट कराइए। ठीक है, अब यहां पर हमें स्टॉक आइटम की लिस्ट बनानी है, स्टॉक आइटम की लिस्ट बनाने के लिए भी अल्ट सी प्रेस करना है। स्टॉक आइटम की विंडो छोटी होती है जबकि लेजर क्रिएशन वाली विंडो बड़ी होती है। तो देखिए ये स्टॉक आइटम की छोटी सी विंडो ओपन हो गई है। अब यहां पर कुछ स्टॉक आइटम हमें डालने हैं, जैसे मान लीजिए यहां पर कर देते हैं चेयर्स, तो यहां पर चेयर्स कर दिया। अब यहां पर आते हैं यूनिट डाल देते हैं, यूनिट तो यूनिट क्या करेंगे, नंबर्स कर देते हैं नंबर्स, तो यहां पर सिंबल दे देते हैं एनओएस कर देते हैं सिंबल में, और फॉर्मल नेम नंबर्स दे देते हैं नंबर्स, हो गया। अब यहां पर ऐसा तो है नहीं कि चेयर खरीदेंगे आप तो डेढ़ खरीदेंगे ढाई खरीदेंगे, अरे चेयर खरीदेंगे तो पूरा खरीदेंगे। तो यहां पे नंबर ऑफ डेसिमल प्लेसेस जीरो रखते हैं, एंटर करते हैं और फिर इसको एक्सेप्ट कराते हैं। यहां पर आ गए क्वांटिटी, तो यहां पर 100 क्वांटिटी वी आर गोइंग टू परचेज और यहां पर एक की कीमत है 500 रुपए। ठीक है, तो इस हिसाब से 100 की 50,000 रुपए हो गई। यहां पर हमें जीएसटी भी लगाना है, जीएसटी को तो हमने एक्टिवेट ही नहीं किया, डोंट वरी जीएसटी यहां से भी एक्टिवेट कर सकते हैं। यहां पे आपको प्रेस करना है F11, प्रेस करते हैं तो यहां पर आपको नजर आ जाता है स्टेटटरी, तो बस इसी पे क्लिक कर दीजिएगा और यहां पर स्टेटटरी एंड टैक्सेशन वाली विंडो ओपन हो जाती है। जीएसटी को ऑन करना, यहां से यस कर दीजिए। सेट ऑब्लिक अल्टर जीएसटी डिटेल्स, इसको भी यस कर दीजिएगा। जैसे ही यस करेंगे आपका स्टेट जो भी हो चूज कर लीजिएगा, हमारा उत्तर प्रदेश है, आपका जो भी हो चूज कर लीजिएगा, आपका जम्मू कश्मीर है वही चूज कर लीजिए, लद्दाख है वही चूज कर लीजिए, मध्य प्रदेश है वही चूज कर लीजिए। फिलहाल मेरा उत्तर प्रदेश है, इसको रेगुलर रखेंगे। कंपोजिशन वो होता है जो हर 3 महीने पर जीएसटी फाइल करते हैं। फिलहाल यहाँ पे आते हैं, एंटर करते हैं, यहाँ पर जीएसटी आई एन नंबर डालते हैं, तो यहाँ पे जो भी आपका जीएसटी आई एन है वो नंबर आप जरूर डाल दीजिएगा, एंटर करिएगा। ठीक है, वेरीफाई करेगा इसको टैली, एंटर करेंगे। ईवे बिल को अभी नो रखेंगे, एंटर करेंगे, एंटर करेंगे, एंटर करेंगे, यहां से यस कर देंगे। तो देखेंगे कि यहां पर दो ही जीएसटी के टैक्स टाइप दिखा रहे हैं। फिलहाल हमको यहां पर 3 ऑप्शन दिख रहा है, एग्जेम्प्टेड, निलेटेड, टैक्सेबल। हमें फिलहाल टैक्सेबल रखना है, तीनों के बारे में बहुत बात कर चुके हैं हम, तो अभी बात करने का कोई जरूरत नहीं है। यहाँ पे आ गए, यहाँ पे एचएसएल कोड चाहिए कि नहीं चाहिए, अगर नहीं चाहिए छोड़ दीजिए, बाकी शो ऑल जीएसटी टैक्स टाइप ये तो हमें चाहिए ही चाहिए। तो यहाँ से इसको यस कर दीजिएगा, कंट्रोल ए कर दीजिएगा, सब टैक्स दिखने लगा, दिख रहा है कि नहीं। ठीक है, तो फिलहाल इंटीग्रेटेड टैक्स वो टैक्स होता है जो केवल और केवल लगाया जाता है जबकि आप डिफरेंट स्टेट से सामान खरीदते या बेचते हैं उस कंडीशन में। ठीक है, फिलहाल 18% यहां पे कर देता हूं बाय डिफॉल्ट, एंटर करता हूं, एंटर करता हूं, एंटर करता हूं और को एक्सेप्ट कराता हूं, कंट्रोल ए कर दिया, एक्सेप्ट हो गया, ये चालू हो चुका है। अब यहां पे जीएसटी के लेजर्स को क्रिएट करने की बात है, तो यहां से अल्ट सी कर देता हूं, यहां पे लिख देता हूं सीजीएसटी, सीजीएसटी यानी सेम स्टेट का मामला होगा तभी सीजीएसटी लगेगा, और ये जाएगा ड्यूटीज एंड टैक्सेस। ठीक है, जो भी टैक्सेस से संबंधित लेजर्स हैं वो ड्यूटीज एंड टैक्सेस में ही जाते हैं। तो यहां पे देखिए जीएसटी आ भी रहा है, जीएसटी कर लीजिए, सेंट्रल टैक्स कर लीजिए, और यहां पर क्या करना है आपको नॉर्मल राउंडिंग कर लेना है, एंटर करिए, एक्सेप्ट कराइए। यहां पे आपका सीजीएसटी आ गया है कैलकुलेट होकर। अगर आप डिफरेंट स्टेट की क्रेडिटर पार्टी लेते तो यही टैक्स कैलकुलेट नहीं होता, ध्यान दीजिएगा। अल्ट सी कीजिए, फिर यहां पर लिखता हूं मैं जीएसटी लिखेंगे, तो ये एसजीएसटी लिख दिया, एंटर किया, एंटर किया, ड्यूटीज एंड टैक्सेस रखते हुए यहां पे जीएसटी करेंगे और यहां पर क्या करेंगे स्टेट टैक्स कर देंगे, तो ये स्टेट टैक्स कर दिया, हो जाएगा काम। ठीक है, यहां पे चाहे तो नॉर्मल राउंडिंग कर सकते हैं, फिलहाल छोड़ देते हैं, एंटर करते हैं, सेम टैक्स दोनों पे आ गया है। ठीक है, अगर आप ये चाहते हैं कि हमारा यहाँ पे टैक्स रेट भी शो करे प्रिंटिंग के वक्त,
तो आपको इसको सेटिंग करना होगा प्रिंटिंग के समय, ठीक है। तो चलिए उसको उसके बारे में बताता हूं अभी, फिलहाल इसको एक्सेप्ट कराते हैं। यहां पर आप नरेशन डाल सकते हैं, इसको स्किप करते हैं, आगे बढ़ते हैं। ये हमारी एंट्री पास हो गई है परचेज वाली, तो यहां पर आप देखेंगे तो ये हमारी एंट्री है परचेज वाली। यहां से मैं आपको दिखा देता हूं दो बार डीप्रेस करके, ये देखिए ये है हमारी परचेज वाली एंट्री। और यहां से इसको अगर प्रिंट करवाना चाहते हैं तो यहां से हम इसको यस कर सकते हैं। तो ये देखेंगे तो ये हमारा प्रिंट कुछ इस तरीके से आएगा, ये देख सकते हैं ये हमारी प्रिंटिंग है। लेकिन यहाँ पर टैक्स रेट नहीं शो कर रहा है, टैक्स रेट शो कराने का आसान तरीका है। टैक्स रेट कैसे शो कराएंगे, जब अल्ट पी प्रेस करेंगे ना तो उसी वक्त ये प्रिंटिंग का कॉन्फिगरेशन आएगा, ठीक है। और यहाँ पर आपको मिलेगा कॉन्फिगर, कॉन्फिगर मिल रहा है तो बस ये कॉन्फिगर पे चले जाइए। और कॉन्फिगर पे जैसे ही जाते हैं तो यहाँ पर तमाम चीजें आपको नजर आएंगी। यहाँ पर नजर आएगा आपको कि ये देखिए, यहाँ पर देखिए ये लिखा हुआ है प्रिंट आइटम वाइज जीएसटी डिटेल। तो आइटम वाइज जीएसटी डिटेल देखना चाहते हैं तो यहाँ पे इसको यस कर दीजिए। अगर परसेंटेज वाइज कॉलम देखना चाहते हैं तो यहाँ पे इसको यस कर दीजिए, ठीक है। तो वो बंद हो जाएगा, ये खुल जाएगा। तो फिलहाल परसेंटेज वाइज ही देखना है तो कंट्रोल ए कर देते हैं। अब इसको एंटर प्रेस करके देखते हैं आ रहा है कि नहीं आ रहा है। तो देखिए यहाँ पर एक ही आइटम लिया था हमने और परसेंटेज वाइज इसमें जीएसटी दिखा रहा है कि 18% लगा हुआ है, ठीक है। समझ में आ रही है बात, ठीक है, उम्मीद करता हूं बात समझ में आ रही होगी। अब मान लीजिए ये आपने परचेज तो किया लेकिन अभी पेमेंट की बात आपने नहीं की, पेमेंट की बात तो की ही नहीं है, तो पेमेंट कैसे होगा। तो पेमेंट करने के लिए आपको जाना होगा, यहीं पर मैटर है, रीप्रेस कीजिए और आ जाइए पेमेंट वाउचर में। परचेज किया तो जब भी परचेज करेंगे तो पेमेंट ही करना है आपको, ठीक है। अब क्रेडिटर पार्टी उठा लेंगे, यहां पर डेबिट आ रहा है, ऊपर डीआर लिखा हुआ आ रहा है, ठीक है। मैंने आपको ये बताई दिया कि सिंगल एंट्री को डबल एंट्री मोड में कैसे चेंज करते हैं। अब यहां पर आपको डीआर में क्रेडिटर पार्टी का नाम लिखना है। अब देखिए यहां पर आ रहा है 59,000 रुपए, कुल मिला के खर्च कितना आ रहा है 59,000 रुपए। तो यहां पे 59,000 डाल दीजिए आप, ये हो गया काम। यहां पे अगेंस्ट रेफरेंस में कर्सर अपने आप आ जाता है क्योंकि मेंटेन बिल बाय बिल को हमने यस किया था, तो ये आ गया। अब यहां पर ये आपका पेंडिंग बिल है, बस इसको ले लीजिए। यहाँ पे क्रेडिट किसको करेंगे, अगर आप कैश में दे रहे हैं तो कैश कर दीजिए, बस ये कैश हो गया। अगर बैंक के थ्रू दे रहे हैं तो बैंक कर सकते हैं और नरेशन डाल दीजिएगा, बस हो गया काम। ये परचेज का हो गया पेमेंट, परचेज करेंगे तब पेमेंट करेंगे, ध्यान दीजिएगा, ठीक है। अब यहां पर आ जाते हैं सेल्स वाउचर में, इसी चीज को अब हम बेचने वाले हैं। यहां पर रेफरेंस नंबर डाल देंगे और यहां पर कोई डेटर पार्टी तो है नहीं जो खरीदेगी हमसे, तो अल्ट सी करके बना लेते हैं ना। यहां पर लिख देते हैं राजू, राजू राजू डेटर पार्टी है, ठीक है। आप आगे डी दे सकते हैं ताकि समझ पाए, फिलहाल मैंने नहीं दिया है। और ये जाएगा सन्ड्री डेटर में, किसमें जाएगा सन्ड्री डेटर। तो ये डेटर कर दिया, एंटर किया, एंटर किया, एंटर किया, एंटर किया, एंटर किया, एंटर किया, एंटर करते हुए इसको एक्सेप्ट करा लीजिए। ये एक्सेप्ट हो गया, फिर इसको भी एंटर करते हुए एक्सेप्ट करा लीजिए। सब दिया हुआ है कि किस किस चीज के थ्रू सामान वामान लदा हुआ के जाएगा, ठीक है। यहां पर आए, ये सेल्स अकाउंट का लेजर बना दीजिए, सेल्स अकाउंट, ये हो गया, ये जाएगा अंडर सेल्स अकाउंट, वहां पे परचेज अकाउंट बनाया था हमने, याद है, ठीक है। एंटर करेंगे, एंटर करेंगे, एंटर करेंगे, इसको एक्सेप्ट करा लेंगे, हो गया काम। यहाँ पे नेम ऑफ आइटम लेंगे, एक ही तो आइटम है, चेयर, चेयर ले लेते हैं, 100 कुर्सियां हैं, 90 कुर्सियां बेच देते हैं। एक कुर्सी की कीमत हम रख देते हैं, बेचने वाली कीमत यहाँ पे रख देते हैं 800 रुपए, ठीक है। ये बेचने वाली कीमत है, ये दे दिया हमने। बाकी जीएसटी तो वही रहेगा जो आपने दिया था, तो यहाँ पे जीएसटी सीजीएसटी लगा दीजिए और यहाँ पे एसजीएसटी लगा दीजिए, परसेंटेज वही रहेगा, ठीक है। दाम के हिसाब से अपने आप को एडजस्ट कर लेगा, ठीक है। और यहाँ पर इसको एक्सेप्ट करा दीजिए। ये तो हो गया सेल, लेकिन अभी हमने इसका पेमेंट रिसीव नहीं किया, तो रिसीविंग की भी एंट्री करनी होगी। जो ग्राहक ने आपको पैसा दिया उसकी भी एंट्री करनी होगी, ठीक है। तो इसके लिए कहाँ जाएंगे, इसके लिए रिसिप्ट वाउचर में F6 प्रेस करके आप जा सकते हैं रिसिप्ट वाउचर में। तो ये आ गया रिसिप्ट वाउचर में। अब यहाँ पे आ रहा है क्रेडिट, किसको क्रेडिट करेंगे, तो जो हमारी डेटर पार्टी है जिसका नाम राजू है उसको ले लेंगे। 84,960 रुपया इनको पे करना है, तो ये पे करेंगे 84,960 रुपया, ठीक है। ये 84,900 अगेंस्ट रेफरेंस पे आ गया कि नहीं, मेंटेन बिल वाइज डिटेल का यही फायदा है, ठीक है। और ये यहाँ पे आ गया पूरा डिटेल। अब यहाँ पे कैश कर देते हैं, कैश में ये दे रहे हैं, बैंक के थ्रू जाना चाहते हैं तो बैंक भी कर सकते हैं, तो ये हो गया, एक्सेप्ट करा लिया। यही तो है पेमेंट रिसीव और पेमेंट कर देना, यही चीजें हैं, ठीक है। उम्मीद करता हूं बात समझ में आ गई होगी, क्लियर हो गया होगा। और भी जो कंफ्यूजन है वो आगे की वीडियोस में दूर होती रहेंगी। तब तक के लिए कीप वॉचिंग, थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।